कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी के कार्यकर्ता उस हत्या से आक्रोशित हैं और अपनी ही राज्य सरकार को घेरने में लगे हैं। सीएम बसवराज बोम्मई की कार्यवाही से भी ये कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, उनसे और ज्यादा सख्त होने की अपील की जा रही है। अब इस तमाम विरोध के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर राज्य में योगी मॉडल भी लागू किया जा सकता है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसी स्थिति है वहाँ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ फिट बैठते हैं। इसी तरह कर्नाटक में भी अलग अलग तरीकों से स्थितियों से निपटा जाता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो योगी मॉडल भी कर्नाटक में लागू किया जाएगा। सीएम आगे कहते हैं कि हम हर जरूरी कदम उठाने वाले हैं, अगर और ज्यादा सख्त होना पड़े तो हमारे कदम लड़खड़ाने वाले नहीं है। Whatever possible we'll do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. अब सीएम का ये बयान मायने रखता है क्योंकि इस वक्त कर्नाटक में प्रवीण की हत्या के बाद से राजनीति उबाल मार रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि बीजेपी के विधायकों और सांसदों तक को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वैसे जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में योगी मॉडल की बात की है वो वहाँ की बुलडोजर राजनीति से काफी प्रभावित हैं। उन्हें विकास दुबे का एनकाउंटर भी याद आता है। ये सारे वो कदम हैं जिस वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ की एक सख्त प्रशासक वाली छवि बनी है। इसी दम पर वो कानून व्यवस्था के सुधरने का हवाला भी देते हैं। अब कर्नाटक में भी बीजेपी के नेता ऐसा ही कोई मॉडल चाहते हैं। सीएम बसवराज बोम्मई ने इसके संकेत दे दिए हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि योगी मॉडल से भी ज्यादा सख्त कोई फैसला लेना होगा तो वो लेने से भी हिचका नहीं जाएगा। वो बीजेपी नेता की हत्या करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण नेटारू की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दिन भर काम करने के बाद प्रवीण दुकान बंद कर जब घर लौट रहे थे तभी रात करीब 9 बजे बाइक सवार बदमाशों ने धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि प्रवीण ने कन्हैया लाल के समर्थन में एक पोस्ट शेयर किया था और इसी वजह से उन पर ये हमला किया गया। इस हत्या में पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। राज्य में पीएफआई पर बैन लगाने की मांग भी उठ रही है, लेकिन सीएम का सिर्फ इतना कहना है कि दूसरे राज्यों में भी ये संगठन सक्रिय है, ऐसे में सभी को मिलकर कोई बड़ा फैसला लेना होगा। अब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मामले की जांच एएनआई से कराने का फैसला ले लिया है। दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी पहचान जिले में सुलिया तालुक के बेलारी के जाकिर और मोहम्मद शफीक के रूप में हुई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि शफीक और प्रवीण की पहले से ही जान पहचान थी। प्रवीण की दुकान में शफीक के इब्राहिम काम भी कर चुके हैं। इनका एक दूसरे के घर भी आना जाना था। हालांकि इब्राहिम का कहना है कि मुस्लिम होने के चलते उसके बेटे को पुलिस इस मामले में फंसा रही है। फिलहाल जिस तरह से कर्नाटक के सीएम योगी मॉडल लागू करने की बात कह रहे हैं उसे देखकर लगता है कि सीएम योगी का ये मॉडल काफी फेमस हो चुका है। देखना होगा कि कर्नाटक में प्रवीण नेटारू के हत्यारों को आखिर सजा कब मिलेगी। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।